श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रामलला जिनका हर कोई इंतजार कर रहा है, जिनके अयोध्या में विराजमान होने की ललक हर किसी के मन में है, हर कोई बेसब्र है कि कब अयोध्या के उस मंदिर में रामलला विराजेंगे जिसका भव्य निर्माण हो रहा है। वैसे तो रामलला के विराजने की तारीख पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त भी सामने आ गया है। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त और मृगशिरा नक्षत्र में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 12:20 पर होगी। ये मुहूर्त दोपहर 11:36 से 12:24 तक है, जो कुल 48 का होगा, जबकि मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन बना रहेगा। मृगशिरा नक्षत्र 22 जनवरी को सुबह 5:15 से 23 जनवरी सुबह 5:36 तक रहेगा। दरअसल 22 जनवरी को पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी है और दिन सोमवार का है। कहा जा रहा है कि ये योग सनातन धर्म, अयोध्या और पीएम मोदी के लिए बेहद शुभ है और इस शुभ घड़ी में रामलला विराजमान हो जाएंगे, जब इतिहास के पन्नों में ये तारीख और ये मुहूर्त दर्ज हो जाएगा, जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। अब जब इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है तो आपको पूरा कार्यक्रम भी बता देते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 16 से 24 जनवरी तक चलेगा, जो 9 दिन का कार्यक्रम होगा और पूरा कार्यक्रम काशी के विद्वानों की देखरेख में किया जाएगा, जिसमें साधु संतों और देश भर में राम भक्तों सहित 7,000 लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। इस वक्त अलग अलग स्तर पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। कहीं पत्थरों पर नक्काशी का काम किया जा रहा है तो कहीं ऊंचे ऊंचे पिलर खड़े किए जा रहे हैं। यही लक्ष्य तय किया गया है कि 22 जनवरी 2024 से पहले राम मंदिर का काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इस दिन रामलला अपने भवन में विराज लेंगे। पिछले कई दशकों से राम मंदिर का इंतजार राम भक्तों को है और जब इंतजार खत्म हो रहा है तो लोगों के मन में आस है कि जैसे ही रामलला भवन में विराजें, उनकी एक झलक उन्हें देखने को मिल जाए। और उसके लिए सरकार की तरफ से इंतजाम भी कर दिया गया है, यानी जब रामलला भवन में विराजमान होंगे तब इसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और इसे पूरा देश देख पाएगा। आपको याद होगा जब 25 अक्टूबर को पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए देशवासियों को बताया था कि आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या आने का निमंत्रण किया। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। जिसके बाद से रामलला के विराजमान होने की चर्चाएं काफी तेज हो गई थी, क्योंकि तारीख आ चुकी थी यानी 22 जनवरी की और लोगों को इंतजार था तो बस उस मुहूर्त का, जिस मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, और अब वो भी सामने आ गया है, यानी अब इंतजार खत्म हो चुका है। जब रामलला भवन में विराजेंगे और हर जगह एक ही नाम होगा और वो होगा सिर्फ रामलला का। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।